जहां टेक्नोलॉजी का
क्या फुले क्या नवाजी क्या हर एक के हाथ में हमें मोबाइल नजर आता है, लेकिन आप ये बात बहुत तवज्जो के साथ आप इस बात को अपने जहन में रख कर जाएगी रख लीजिए कि बच्चे तो हमारे हैं, लेकिन बच्चे हमारे हैं, लेकिन इसकी तरबियत मोबाइल कर रहा है, इन बच्चों की तरबियत मोबाइल फोन कर रहा है, हम इसकी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे हर घर का मसला, हर फैमिली के अंदर यह बात है कि बच्चों की जो ज्यादा एक्टिविटी, बच्चों का ज्यादा वक्त हम देते हैं कि मोबाइल फोन किस तरह से उनका रुझान बहुत ज्यादा आए ही बढ़ता जा रहा है। जो ये बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, मोबाइल देखना भी एक नशा है, ये नशे में जब बच्चे गिरफ्तार होते हैं तो तालीम उनके जहनों से, तालीम की हिमायत, तालीम की हिम्मत उनके जरिए बैठ से आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। हम देखते हैं कि बच्चा उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं है, हर घर का मसला है, बच्चा उस वक्त तक खामोश नहीं बैठता जब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं है, और माँ बाप की इससे बैठने में अच्छा कोई टूल नहीं है कि बच्चा रोता है तो उसके हाथ में मोबाइल दे दो बच्चा खामोश हो जाए। हमने भी बच्चों को खराब किया है, हमने भी बच्चों को इस तरह के एडिक्ट होने के लिए हमने उनको और उनको अपना मोबाइल उनको दिया है, तो गोया ये मोबाइल ने पूरे समाज को बल्कि पूरे तलबा को, पेरेंट्स को, यहां तक कि पूरी सोसाइटी को इसने तहस नहस करके रख दिया। ये एक नहीं बल्कि हर घर का मसला है, तो गोया पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत खुद करें, अगर वो खुद तरबियत ना करें तो ये बच्चे आपके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे और इनकी तरबियत को दूसरा करेगा, दूसरा करेगा सोशल मीडिया की तरबियत करेंगे, कार्टून सिंह की तरबियत करेंगे, फिल्म सिंह की तरबियत करेंगे, गेम सिंह की तरबियत करेंगे। अगर आप तरबियत से अगर आप बच्चों को वक्त नहीं देंगे तो बच्चे दूसरी जगह वक्त देंगे और तरबियत को वहां साबित करेंगे। सिर्फ तालीम स्कूल में भेजने से बच्चा काबिल नहीं बनता जब तक ये वालदैन कि बच्चे की तरबियत, उसके अखलाक, उसकी आदत, उसके अदबार, उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, सारी चीजों को वालदैन जब तक उसको बेहतर तरीके से नहीं करेंगे तो बच्चा बच्चे की जो मुकम्मल तरबियत का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि अगर बच्चे को काबिल बनाना है तो जहां स्कूल और एजुकेशन का, स्कूल का जहां रोल है वहीं वालदैन की भी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती और बाप ये कहकर बरी नहीं हो सकता कि मेरे पास तो वक्त नहीं है, आपको वक्त देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। जब तक आप अपने बच्चों को वक्त नहीं देंगे बच्चे के अंदर तब्दीली होनी नहीं है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होती है, माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है और बाप की तरबियत बच्चे का पहला मदरसा हो रहा है। ये प्री स्कूल है, ये प्री स्कूल है, सबसे पहला स्कूल बच्चे का माँ की गोद और बाप की तरबियत, ये पहला स्कूल है। अगर हमने यहां पर अपने बच्चे की तरबियत सही तरीके से अगर नहीं की तो यकीन जानिए कि बच्चे के अंदर जो तब्दीली हम चाहते हैं वो तब्दीली आना मुमकिन नहीं। मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता चलो कि आदमी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ कि इस शख्स को फांसी पर लटका दिया जाए क्योंकि इसने इतने इतने बहुत सारे गुनाह किए हैं, चोरी किए हैं, डाका डाला है, बहुत सारे क्राइम इसने किए हैं, लिहाजा इसकी आखिरी सजा यही है कि उसको फांसी दी जाए। तो जिसको फांसी दी जा रही थी उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं मेरी मां से मिलना चाहता हूं, मरने से पहले, फांसी से पहले मैं मेरी मां से मिलना चाहता हूं। तो यकीन मानिए कि उसकी मां को बुलाया गया, फांसी देने से पहले उसकी मां को बुलाया गया और जिसको फांसी दी जा रही थी
वो वहां से तख्तदार पर से उतर कर नीचे आया और अपनी माँ के करीब आ गया। माँ के करीब आकर माँ के चेहरे को पकड़ लिया और माँ का कान अपने दांतों से कतर कर निकाल दिया। माँ का कान अपने दांतों से कतर कर निकाल दिया तो वहां हरी में जो लोग ठहरे हुए थे वो पकड़ कर हटा दिए और कैदी से पूछा कि तुम कैसी औलाद है, तुम ऐसा बेटा है कि तू अपनी माँ का कान अपने दांतों से कतर के निकालता है, ये कैसी औलाद और कैसा बेटा है। तो कैदी कहता है कि आज जो मैं फांसी के तख्ते पर खड़ा हूं ये मेरी माँ की वजह से, क्यों कि बचपन में मैं जब अंडा चोरी करके लाया तो मेरी माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा अंडा चुराना या चोरी करना गलत बात है, बल्कि वो अंडा मुझे मेरी माँ ने तल के दिया, बना के दिया और मैं अंडा खा लिया। तो मैं ये समझा कि चोरी कर सकते हैं, तो वो यार एक दिन अंडा चुराया, दूसरे दिन चीज चुराया, बल्कि इतना बड़ा चोर बन गया कि आज फांसी के तख्ते पर खड़ा है। तो कहा कि आज मुझे फांसी जो लग रही है यह सिर्फ मेरी माँ की वजह से, अगर माँ ने मेरी तरबियत नहीं होती तो आज मुझे फांसी के तख्ते पर ठहरने की जरूरत नहीं है।